हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आज आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे या कभी ट्राई नहीं किए हो। तो जैसे कि देखिए, ये प्लॉटर अभी मेरा यहाँ पे पेन होल्डर से ये टेस्ट चल रहा है। तो मेरा सिस्टम एक ही है, तो ये रहा फ्लेक्सी से मेरा दो सिस्टम अभी मैं चलाऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर आपका कॉम केबल से चल रहा है ये प्लॉटर, और एक मैं चलाऊंगा आपका यूएसबी से, मतलब वन पीसी टू प्लॉटर मशीन। ये देखिए, ये यूएसबी से चल रहा है इसलिए रुक रुक के कटिंग होगा। और देखिए, सेम प्रोसेस, ये चल रहा है यूएसबी केबल से, ये रहा यूएसबी केबल, और दूसरा मेरा चल रहा है ये कॉम केबल, मतलब वन पीसी टू प्लॉटर। दोबारा देखिए अच्छे से, ये टेस्ट चल रहा है, उसमें डायरेक्ट कटिंग चल रहा है। इसका कुछ ब्लेड का इश्यू होगा जिसकी वजह से ये कटिंग ले नहीं पाया, बट मूवमेंट जब हो रहा है मतलब कटिंग होगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा इसका क्या हो प्रॉब्लम है इसमें। ओके, इसका ब्लेड होल्डर अंदर चला गया। ये एकदम ही यूनिक है क्योंकि मैं आज खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ, लेकिन इससे शायद कंप्यूटर में काफ़ी लोड गिरता है क्योंकि ये प्रोसेसर और रैम का हिसाब से सही नहीं होगा। अगर आपका सीपीयू अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो शायद आप एक साथ में दो प्लॉटर यूज़ कर पाएंगे। देखिए, ये भी कंटिन्यू कट हो रहा है और ये भी कंटिन्यू चल ही रहा है। इसमें तो काफ़ी छोटा टैक्स दिया हुआ है। चलिए, इसमें भी मैं चेक करता हूँ कटिंग। अरे वाह, कटिंग तो काफ़ी बढ़िया हुआ है। ओके, मेरा ये विनाइल में ऑलरेडी पहले से कटिंग हुआ था इसलिए इसमें डबल लेयर कटिंग हो चुका है, लेकिन मेरा जो रेड सेल जो टैक्स है ये ठीक ठाक ही आया हुआ है। एक हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है, एक मिनट में पोज कर लेता हूँ। तो ये रहा रेड सेल, मेरा विनाइल ख़राब है और ब्लेड होल्डर भी, इसका ब्लेड जो है ये भी ख़राब है इसलिए कुछ कुछ जगह में अटक गया है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप भी अपना मशीन में ट्राई कर सकते हो जिनके पास दो प्लॉटर है, बट देख लीजिएगा आपका कंप्यूटर का रैम प्रोसेसर कितना है, उस हिसाब से आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर हो गया 9678803395। मेरा एड्रेस हो गया आसाम गुवाहाटी।